क्लोज कैसे करता है, सब कुछ करता है, साला क्लोजिंग ही नहीं करता, फॉर्म ही नहीं निकालता, साइन ही नहीं लेता। सबसे बड़ा चैलेंज है कि सुबह उसको अपने औरत को भी नहलाना पड़ता है। लेट आना नहीं चाहिए, ये है वो है ऐसा है वैसा, लेकिन उसके लेट आने के पीछे क्या कारण है? कोई नाता है डेढ़ घंटा, अलग अलग पार्ट को संभालता, मतलब तो ग्रेट टीम लीडर पूरी चीज को समझता है। तो ग्रेट टीम लीडर्स लुक एट द जंगल, द होल पिक्चर कॉन्सेप्ट। एक अच्छा लीडर वो होता है जो पूरे जंगल को देखता है। अब क्या होता है, आप जंगल में जाते हैं तो पूरा जंगल को, आपको ऊपर जाके पूरा जंगल को देखना चाहिए। अगर समझो जंगल यहाँ है तो मैं यहाँ से देखता हूँ, एक अच्छा ग्रेट टीम लीडर जंगल को देख सकता है और जंगल को देखता है और काम करता है। लेकिन जो ग्रेट टीम लीडर नहीं होता है, उसको पेड़ों को देखने की आदत है। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। क्या है कि टीम बनाने के टाइम पे टीम के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक आदमी को ही बनाने में ही बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, एक सिंगल आदमी को बनाने में ही बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और एक पूरी टीम को बनाने के लिए चैलेंजेस तो मल्टीपल होता है। तो अगर आपको एक ग्रेट टीम लीडर बनना है तो जो सामने मुद्दा आता है ना, वो पेड़ होता है। समझो टीम टूटी तो ये मुद्दा हुआ, ये तो हम वो मुद्दा है, वो पेड़ है। लेकिन टीम क्यों टूटी, वो जंगल है। तो ग्रेट टीम लीडर पूरी चीज को समझता है, वो सिर्फ जो सामने। अभी समझो एक ग्रेट टीम लीडर के सामने एक आदमी आया, वो हमेशा लेट आता है। लेट आना वो क्या है, वो एक पेड़ है। लेकिन लेट आने के पीछे क्या क्या कारण है, वो ढूंढने वाले को ग्रेट टीम लीडर बोलते हैं। एक आदमी जब लेट आता है तो वो पेड़ है, वो एक इंसिडेंट है, एक आउटकम है, वो लेट आया। लेकिन लेट आने के पीछे 500 रीजन है, हम ये कभी नहीं देखते। एक आदमी जाता है और खाली हाथ आ रहा है फील्ड में, खाली हाथ आता है रोज, किसी को बेच नहीं पाता, तो नहीं बेच पाता, वो एक आउटकम है, वो एक आउटकम है और वो एक पेड़ है। और ग्रेट टीम लीडर सिर्फ पेड़ को नहीं देखता, पूरा जंगल को देखता है कि वो जाता किधर है, कितने बजे जाता है, किसको मिलता है, क्या बोलता है वो, जिसके वजह से धंधा नहीं मिल रहा उसको। तो आज के बाद ग्रेट टीम लीडर अगर बनना है तो पूरे जंगल को देखा करो, और सिर्फ सामने आई हुई चीज या सामने आई हुई प्रॉब्लम को खाली ना देखो। तो इसीलिए कहता हूं कि हमेशा एक जंगल की तरफ देखा करो। जनरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, हम लोग स्ट्रेट लाइन यानी पेड़ को ही देखते हैं। हम क्या नीचे उतरते और चलते हैं ना, तो सामने पेड़ ही दिखता है। तो ग्रेट टीम लीडर नीचे से नहीं चलता, वो ऊपर से देखता है पूरा। सो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम पेड़ों को देखते हैं, हम स्ट्रेट लाइंस को देखते हैं। और स्ट्रेट लाइन ये हो सकता है यानी कि पेड़ है, स्ट्रेट लाइन वो हो सकता है वो पेड़ है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, समझो एक आदमी को तुमने बोला 10 बजे आओ, वो लेट आया। हम लोग लेट आने वाले बात को लेके अकड़ जाते हैं और हम उसको चार गाली देते हैं, लेट आना नहीं चाहिए, ये है वो है ऐसा है वैसा, लेकिन उसके लेट आने के पीछे क्या कारण है, ये देखने वाले को टीम लीडर बोलते हैं। और यही आदमी है जो टीम को बिल्ड कर सकता है। लेकिन हम लोगों को भीड़ को हैंडल करने की आदत है, बोले यार कल से टाइम पे आ जाना, समझ गया, नहीं तो नहीं आना। वो तो बहुत आसान काम है वो डायलॉग मारना, वो तो कोई भी कुत्ता मार सकता है डायलॉग, इसमें कोई बहुत बड़ी बुद्धि वाली बात नहीं है कि भैया कल से टाइम पे आ। लेकिन उसका बार बार टाइम पे नहीं आने के पीछे राज क्या है, कारण क्या है, मुद्दा क्या है, इशू क्या है, घर में प्रॉब्लम है, बीवी के साथ प्रॉब्लम है, उठ नहीं पाता है, क्या है। इसी तरह से हम कोई आदमी फील्ड पे जाता है, सेल्स कॉल करने जाता है और हमेशा खाली हाथ बात पर आता है, एम्प्टी हैंडेड आता है। तो मैं हमेशा कहता हूं,
वी लुक एट आउटकम्स, हम लोग खाली आउटकम की तरफ ध्यान देते हैं, पेड़ के तरफ ध्यान देते हैं। पेड़ यानी वो लेट आया, फील्ड में गया खाली आता है, खाली आता है यानी पेड़ आया। हम खाली पेड़ों को देखते हैं, हम खाली स्ट्रेट लाइंस को देखते हैं, हम खाली आउटकम को देखते हैं, बट द सीरीज, नीचे जो लिखा है द सीरीज ऑफ इवेंट्स ओकर, एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, सीरीज ऑफ इवेंट्स ओकर, एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है दैट हैज लेड टू द आउटकम। वो आउटकम उसकी वजह से हुआ है, वो सीरीज ऑफ कार्यक्रम्स हुए हैं जिसकी वजह से। द पैटर्न विच इज नॉट अंडरस्टूड, मतलब वो पैटर्न बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे कि लेट आ क्यों रहा है, धंधा हो क्यों नहीं रहा है, टीम टूट क्यों रहा है, आदमी पढ़ क्यों नहीं रहा है, आदमी झूठ क्यों नहीं रहा है, आदमी अपग्रेड क्यों नहीं कर रहा, आदमी झूठ बोलता क्यों है। झूठ बोलो तो पेड़ है, लेकिन झूठ बोलने वाले को सच के रास्ते पे लेके जाना, अखड़ू को नॉन अखड़ू बनाना, काम ना करने वाले को काम करने वाला बनाना, इसके लिए टीम लीडर लगता है। ये बोलना कि सर वो लेट नहीं, वो टाइम पे नहीं आता उसको निकाल देते, ये काम नहीं कर रहा उसको निकाल देते, ये बेकार है उसको निकाल, ऐसे तो तू सबको निकाल देगा। तुझे ट्रांसफॉर्मेशन लानी है तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको, इन पैटर्न को बोलते हैं व्हील ऑफ इवेंचुअलिटीज बोलते हैं, इवेंचुअलिटीज, इवेंट व्हील, व्हील बोले तो एक सर्कल होता है, और इवेंचुअलिटी का मतलब है कि एक हादसा होता है, हादसा ये है कि वो लेट आ रहा है। तो लेट आना एक हादसा है, धंधा करने के लिए आदमी जा रहा है तो खाली आता आ रहा है, वो हादसा है, लेकिन उसके पीछे पूरा व्हील को समझना। जैसे अगर एक आदमी लेट आ रहा है तो एक अच्छा टीम लीडर ये देखता है कि उठता कितने बजे हो, तैयार होने में साले को कितना टाइम लगता है, किसी किसी को दाढ़ी बीड़ी शिट बिट ये सब कुछ कार्यक्रम 20 मिनट में होता है, कोई कोई नाता है डेढ़ घंटा, अलग अलग पार्ट को संभालता, मतलब एक इसको नहलाता है, इसको नहलाता है, इसको नहलाता है, इसको नहलाता, फिर इसको नहलाता है, वो एक एक चीज को नहलाता है। मेरे इस आदमी तो 15 मिनट दाढ़ी बीड़ी ये वो सब करके रेडी, लेकिन उसका पूरा टाइम नहाने में जा रहा है। जैसा मेरा ब्रदर इन लॉ जो अभी ऊपर चला गया है, वो डेढ़ घंटा नहाता था, मेरे को नहीं मालूम बदन में इतना जगह है कि डेढ़ घंटा घसने के लिए, क्या डेढ़ घंटे, मतलब डेढ़ घंटा, और तैयार होने में सवा घंटा, शर्ट पहनेगा, शर्ट को ये एंगल से देखेगा, वो एंगल से देखेगा, इधर से देखेगा, उतर के देखेगा, माय गॉड, वो आदमी को तैयार होने को टोटल नाना धोना कार्यक्रम मिला के कपड़ा पहन के उसको रेडी करना पौने तीन घंटा लगता उसको, पौने तीन घंटा। अब देखो उसको रेडी होने में कितना टाइम लग रहा है, और फिर उठ कितने बजे रहा है, अब उसको 10 बजे मीटिंग में जाने गया और उठता है वो 8 बजे, पहुंचेगा क्योंकि उसको नहाने में ही कितना टाइम लग रहा है, डेढ़ घंटा, सवा घंटा तैयार होने में, पौने दो पौने तीन घंटे का कार्यक्रम है उसका खाली रेडी होने में। तो ग्रेट टीम लीडर जो है पूरा कार्यक्रम देखता है कि इतना करता क्या है, और फिर उसके ऊपर काम करता है, वो डेढ़ घंटा जो तैयार होने में लगाता है उसको 20 मिनट की तरफ लेके जाता है लीडर। वही जो आदमी सवा घंटा लगाता है तैयार होने में उसको 15 मिनट में तैयार कराता है, तो टोटल कार्यक्रम वो 20 है ना 35 मिनट 40 मिनट में कराने का चक्कर चलाता है। तो ये पूरा समझना बहुत जरूरी है, यू नो व्हाट टाइम डज ही लीव, कितने बजे घर से निकलता है। अभी आज इधर बारिश था, बहुत सारे लोग 10 बजे नहीं पहुंचे, लेकिन आप जानते हैं कि संतोष नायर तो डेढ़ घंटा पहले इधर रहेगा, वो कभी लेट नहीं होगा, क्योंकि आज तक ऐसी कोई बारिश हुई नहीं है, आज तक ऐसा कोई ट्रैफिक जैम हुआ ही नहीं है, आज तक ऐसा कोई चीज ही नहीं हुआ है जो अपने को लेट कर सके, क्योंकि अपन ने अपने आप को वैसा बनाया है, लेकिन लोगों ने अपने आप को वैसा बनाया नहीं, तुम्हें वैसा उन्हें बनाना पड़ेगा, तब जाके वो आदमी जो लेट आता है उसको टाइम पे आने की कलाकारी आपको सिखानी पड़ेगी, कितने बजे वो घर से निकलता है और उसके घर में क्या क्या चैलेंजेस है पता चलता है। उसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि सुबह उसको अपने औरत को भी नहलाना पड़ता है,
और वो 2.5 घंटे वाली है। तो ये आइटम जिंदगी में 10 बजे तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2:45 इसका है, 2:30 उसका है। तो उसका पूरा उसका एनवायरनमेंट को आप समझिए, उसका चैलेंज को समझिए। हो सकता है वो अपनी बीवी को स्टेशन पे छोड़ने जाता है, बच्चे लोग को छोड़ने जाता है, उसकी बीमार एक माँ है या उसका अपाहिज एक बाप है जिसको सुबह करवाना पड़ता कुछ ना कुछ कार्यक्रम। तो आपको पूरा समझना, जंगल है ये, जंगल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जंगल है, लेकिन अपन क्या देखते हैं, क्या है ट्री, क्या है लेट है सर, कल से टाइम पे आना, समझा? निकल, हो गया। ऐसा बोलने था तो कल डायमंड कर देना, तो आदमी ऐसी कर लेता था। सो हाउ डज ही ट्रैवल, ट्रैवल कैसे करता है, उसका घर कितने लंबाई पे है, उसको स्टेशन पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसके घर के उधर से उसको गाड़ी मिलता भी कि नहीं, तो ऐसा कोई जंगल एरिया में रहता रहेगा जहां पर उसको एक 15-20 मिनट चलना पड़ता रहेगा, फिर उसको रिक्शा मिलता है या बस मिलता है। स्पीड ऑफ द व्हीकल, किस टाइप के गाड़ियों में वो ट्रैवल करता है, उसके बाद वो ट्रैफिक जैम के लिए और बाकी सब चीजों के लिए कितना टाइम देता है, सभी चीजें इसको जंगल बोलते हैं। और ग्रेट टीम लीडर जो है जंगल को देखते हैं, पेड़ों को नहीं। अब मैंने खाली ये एग्जांपल दिया, अभी अपने हिसाब से आप अपना दिमाग लगाओ कि आप जब पीपल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं, तो खाली जाके ये बोलना है झगड़ा मत करो, ऐसा झगड़ा सुलझ जाता है क्या? उसकी सोच को बदलना पड़ेगा। वो झगड़ा क्रिएट करने वाला वो जो सोच है, उस सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा, उस जंगल पे हाथ डालना पड़ेगा, तब जाके टीमें बनती है। वो साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर अगर आप देखेंगे, एक सेल अगर होना है, तो मैं तो हमेशा अपने लीडर लोगों को बोलता हूं, अगर एक सेल होना है तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके एक सेल पैदा होता है। जैसे अगर एक सेल होने के लिए, तो पहला वो जाने के पहले वो आदमी का सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए। हमारा पूरा स्पैंको प्रोसेस का सीडी है सेल्स मल्टीप्लायर बोल के, उसमें हमने पूरा बताया। पहला तो किसी के पास जाने के पहले आपको सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट उस आदमी से लेना चाहिए जिसके पास मनी है, अथॉरिटी और नीड है, मनी अथॉरिटी नीड, और फिर उसको कॉल को प्लानिंग करना पड़ेगा, और कॉल को उसको लिख के प्लान करना पड़ेगा कि मैं क्या क्या डायलॉग मारने वाला हूँ, क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। उस आदमी के साथ अपने को रोल प्ले करना पड़ेगा, मॉक कॉल करने पड़ेंगे हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि उसका सेल्स एबिलिटी को बिल्ड करना है। हमें उस आदमी का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग, धंधा करने का जो अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट नॉलेज कितना है, उसके पास बढ़िया सा सेल्स किट है कि नहीं, कि वो प्रेजेंटेशन वो बढ़िया दे पा रहा है कि नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा सेल्स कॉल में बोलता क्या है, प्रेजेंटेशन में बोलता क्या है, डायलॉग बोलने के बाद कस्टमर को खरीदने की चाहत पैदा होता है कि डायलॉग बोलने के बाद कस्टमर इसको भगाने पर वचनबद्ध रहता है, क्या बोल रहा है कस्टमर को, ये देखना पड़ेगा अपने को। फिर कस्टमर जब उसको बोलता मैं सोच के बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने पहले नेटवर्किंग किया, मेरे को कुछ सक्सेस नहीं मिला, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, जब वो ये डायलॉग मारता तो अपना भाई बोलता क्या है। और फिर वो दूसरे टेस्टिमोनियल वगैरह लेके चलता है क्या, बैग में फोटोग्राफ लेके चलता है क्या, लोगों का जो सक्सेसफुल है, डायमंड बने हैं, ये बने वो बने, वो टेस्टिमोनियल वगैरह लेके जाता है क्या? उसके बाद वो नेगोशिएशन कैसे करता है, कस्टमर बोलता मैं शाम का मीटिंग में अगले मीटिंग में आऊंगा, तो ये नेगोशिएट करके ये वाला आज शाम का मीटिंग में बुलाने के लिए डायलॉग कौन सा मारता है, क्लोज कैसे करता है, सब कुछ करता है साला, क्लोजिंग ही नहीं करता, फॉर्म ही नहीं निकालता, साइन ही नहीं लेता, क्लोज ही नहीं करने को आता है उसको। सो माई डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे सामने एक आदमी सेल किए बिना आया, वो बोलता सेल नहीं हुआ, ये तो पेड़ हो गया, लेकिन उसने वहां क्या बोला, किसको मिला, क्या किया, कैसे बैठा, कैसे, ये पूरा जानकारी लेना एक ग्रेट टीम लीडर का काम है। इसीलिए कहते हैं ग्रेट टीम लीडर जो है वो जंगल को देखता है, वो पेड़ को नहीं देखता, तब जाके उन मुद्दों को समझता है वो। क्योंकि अगर टीम बनाना है तो जो हॉकी प्लेयर्स में जो मारा मारी हो रहा है उसके पीछे राज समझना पड़ेगा।
उनकी ईगो को समझना पड़ेगा, उनकी ईर्ष्या को समझना पड़ेगा, उनके एक एक बात को तोड़ना पड़ेगा, उनकी सोच को तोड़ना पड़ेगा। अगर आज आप देखेंगे ना चकदे, तो कैसा शाहरुख ने एक एक आदमी का सोच को बदला। पूरा जंगल है वो टीम, 11 दिखते 11 है लेकिन 1100 प्रॉब्लम है उसके अंदर। जिसको सलटाएगा नहीं तब तक तेरे को इंडिया कप नहीं मिलने वाला, वर्ल्ड कप नहीं मिलने वाला। और टीम टूट के अलग हो जाएगी, अपने अपने देश वापस चले जाएगी, स्टेट में वापस चले जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अगर इस चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए।